गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव, आर एस टेक्नोलॉजी हिंदी यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टाइप के बारे में। तो आइए जल्दी से जानते हैं व्यू टाइप के अंतर्गत। दोस्तों, ये फर्स्ट हमारा ग्रुप होता है डॉक्यूमेंट व्यू, जिसके अंतर्गत हम व्यू जो होते हैं पाँच प्रकार के होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम पाँच तरीके से देख सकते हैं, जिसमें प्रिंट लेआउट है जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा फुल स्क्रीन रीडिंग है जो कि इस तरीके से शो करता है फुल स्क्रीन रीडिंग में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वेब लेआउट। वेब लेआउट के अंतर्गत जो दोस्तों इस तरीके से उसका क्लिक करेंगे इस तरीके से वेब लेआउट में व्यू करता है। ऐसे आउटलाइन है, इस तरीके से होता है। एंड आउटलाइन के बाद एक लास्ट फाइनल वाला जो लास्ट है जो कि ड्राफ्ट है, जो कि इस तरीके से व्यू होता है। तो दोस्तों, नॉर्मली हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात है शो एंड हाइड ग्रुप। शो एंड हाइड ग्रुप में रूलर ग्रिड लाइन जो कि मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये जो स्केल वाला दिख रहा है तो ये रूलर शो करता है। जैसे रूलर हाइड हो गया, शो हो गया, या ग्रिड लाइन का यूज़ है तो ग्रिड लाइन को हम लोग शो या हाइड कर सकते हैं। ऐसे थंबनेल भी लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारा ऑप्शन है जूम का। जैसे कि हम लोग जूम करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके कितने परसेंट जूम करना चाहें, 20%, 100%, 25% जूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूम के लिए शॉर्टकट ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से भी जूम इन और आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ऑप्शन है एक वन पेज टू पेज या फिर पेज विड्थ, जिसमें कि वन पेज में देखना चाहते हैं ऐसे वन पेज दिखेगा, ये टू पेज दिखेगा, या फिर पेज विड्थ, ऐसे हम लोग पेज को देख सकते हैं। यानी व्यू टाइप में मेनली देखने का ही काम किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक ऑप्शन है न्यू विंडो। अगर हम नया विंडो ओपन करना चाहते हैं तो क्लिक करते देखिए ये न्यू विंडो दो ओपन हो गई, यहाँ पे दो विंडो यानी कि एक नया ये विंडो ओपन हो गई। इसी तरीके से अरेंज विंडो है, अरेंज ऑल है, फिर स्प्लिट है। इस तरीके से स्प्लिट यानी विंडो को दो पार्ट में बांटने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है स्विच ऑफ विंडो, जैसे कि दो विंडोज़ ओपन है या फिर तीन विंडोज़ ओपन है, तो हम जैसे विंडोज़ टू में अभी हैं, यहाँ पे विंडोज़ वन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से सीधे स्विच हो गए हम लोग विंडोज़ वन से विंडोज़ टू में। इसके अलावा दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन माइक्रो, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को शॉर्टकट बना के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं कैसे हम लोग किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 100% कर लेते हैं एक्चुअल साइज़ में अच्छे तरीके से दिखे। एंड उसके बाद देखिए माइक्रोज में जाएंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रोज में जाएंगे, यानी माइक्रोज रिकॉर्ड करना। इसके बाद माइक्रोज रिकॉर्ड करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, और कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ कंट्रोल प्लस एम, ऐसे आप कोई भी शॉर्टकट दे सकते हैं और शाइन बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसे क्लोज करने के बाद कुछ भी हमें रिकॉर्डिंग करना है, जैसे मान लीजिए हमें रिकॉर्डिंग करना है आर एस टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं हम लोग क्योंकि काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो जैसे कि पहले बताया गया था साइज़ बड़ा छोटा करना, यहाँ से हम लोग साइज़ को बड़ा छोटा या फिर सारी चीज़ एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखते हैं आर एस टेक्नोलॉजी, आर एस टेक्नोलॉजी, आर एस टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए इसी का हमें शॉर्टकट बनाना, तो बस ये रिकॉर्ड हो गया और बस यहाँ पे फिर से हमें जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब के अंतर्गत जाके हम माइक्रोज में यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई। अब हमें मान लीजिए इसे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस एम हमने शॉर्टकट बनाया था, तो जैसे ही कंट्रोल प्लस एम देखिए प्रेस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे ये बार बार आर एस टेक्नोलॉजी पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।